आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक रूल्स ऑफ मैथ्स. मैथ्स के हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे. सबसे पहला रूल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का. जैसे हमें ये सॉल्व करना है, 2x/4 इज इक्वल टू 7/8. अगर हमें ये सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल इस तरीके से होता है कि पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होती है. यानी 2x/8 इज इक्वल टू 7/4. तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16x इक्वल टू 7 × 4 = 28. तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 28. ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आपकी डिवाइड हो जाएगी. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हम और भी बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल. और मान लीजिए हमारा है 9 = 4/8. अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या कैसे करना होगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो x मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 × 9. तो हो जाएगा 8 × x यानी 8x इक्वल टू 9 × 4 = 36. तो x की वैल्यू आ गई 36. ये मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड. ऐसे हम तरह तरह के हजारों एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 एग्जांपल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. अब हम अगला ले लेते हैं. 7 × 9 इज इक्वल टू y/6. अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो रूल यही कहता है इसे इससे मल्टीप्लाई और इसे इससे मल्टीप्लाई. 7 × 6 इक्वल टू y/9. तो इसे हम 9y भी लिख सकते हैं इक्वल टू 7×6 = 42. y हो गया 42/9. ये हमारा था थर्ड पार्ट. नेक्स्ट हम दो पार्ट्स और करेंगे. पार्ट नंबर 4 हम ले लेते हैं. 3x/9 = 9/4. हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 3x/4 = 9/9. तो 3×4 = 12x = 9×9 = 81. तो x की वैल्यू आ गई 81. ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड. ये हमारा था पार्ट नंबर 4. अब एक लास्ट पार्ट कर रहे हैं फाइनल, जिससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. 3x + 5/9 = 7/3. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. तो देखिए अब इसमें हम एक बार ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे कि ब्रैकेट को कैसे ओपन किया जाता है. 3 × ये पूरा एज इट इज आ जाएगा. 3x + 5 = 7/9. तो देखिए इसे इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इसे इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है. तो 3×9x + 5×15 = 9×7 = 63. 9x एज इट इज 63. इधर ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके माइनस. 9x = अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे. 63 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 and 4 = 48.
नेक्स्ट की वैल्यू आ गई 48 अपॉन 9। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके देख सकते हैं।